अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना फेसबुक पेज जो है वो किस तरह डिलीट कर सकते हैं। चलते हैं फेसबुक में। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल पे जाना है, वहाँ से आप अपने पेज पे को स्विच करेंगे, अपना पेज लॉगिन करेंगे। जैसे ही आपका पेज लॉगिन होगा फिर आप अपनी पेज प्रोफाइल पे जाएंगे और सी मोर पे क्लिक करके इसकी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आपको पेज सेटिंग का एक ये ऑप्शन नज़र आएगा, आप इस पर क्लिक कर दें। यहाँ आपको नीचे जाएंगे तो ये एसेस एंड कंट्रोल ऑप्शन है, ये आपको नज़र आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों, अभी आपके सामने आ गया है कि डीएक्टिवेशन और डिलीशन, कि आप अपने पेज को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं या मुकम्मल तौर पर डिलीट करते हैं। क्लिक करते हैं इस पर। अगर आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए तो आप इसी ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आप मुकम्मल तौर पर अपने पेज को डिलीट करते हैं तो ये डिलीट पेज पर क्लिक करके कंटिन्यू कर दें। यहाँ पर आपने अपना फीडबैक देना होता है कि आपका ये एक्सपीरियंस जो फेसबुक पेज आपने यूज़ किया वो कैसा रहा, वो कोई भी कर दें आप। हाँ, यहाँ से आप आपको पूछेगा कि आप अपने आप कुछ डेटा जो है वो सेव करना चाहते हैं, अगर सेव करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लें, नहीं करना चाहते तो कंटिन्यू पर क्लिक कर लें। अब आपने अपना फेसबुक पासवर्ड डालना है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप वाकई अपना पेज डिलीट करना चाहते हैं। कैन यू डिलीट पेज टू नॉट बी एबल टू रीट्राई, मतलब आप दोबारा इसे वापस नहीं ले सकते, दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। तो अगर आप मुकम्मल तौर पर यकीन है कि आप पेज वाकई डिलीट करना है तो इसे कंटिन्यू कर दें। डिलीट दिस पेज, डिलीट पेज। तो दोस्तों, आपका इस तरह फेसबुक पेज डिलीट हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।